हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस लर्निंग। मैं भावना कौशिक आपको आज फिर से पढ़ाने जा रही हूँ भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। तो दोस्तों, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे आपका अपवाह तंत्र में, यानी कि आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगी भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको वीडियो डाल चुकी हूँ, किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखिए, पहले वाले वीडियो देखिए, वो देख के आइए तब इस वीडियो पर आइए और यहाँ देखिए। ठीक है, तो किसी ने ना देखा हो तो प्लीज़ देखिए, स्किप मत करिए, पहले वीडियो देखेंगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। सब सिक्वेंस से मैं पढ़ा रही हूँ क्रमबद्ध रूप में, ठीक है, सो कोई भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, और प्लीज़ पढ़ते जाइए क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम आपके NTPC, RRV, ALP, सुपर टेट, GD, कॉन्स्टेबल, SI, सब में आपका GS का पार्ट काम में आएगा। ठीक है, सो प्लीज़ कोई भी इसको लाइटली मत लेना, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ साथ में पढ़ते जाइए, मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखिए क्या है भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ क्या भारत का अपवाह तंत्र। ठीक, तो अपवाह तंत्र क्या है? देखिए, एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार कई जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। ठीक है, अपवाह क्या होता है कि एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार कई जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी ये नर्मदा नदी या फिर सिंधु नदी या फिर गंगा नदी, ठीक है, यहाँ से बहकर आती है, कहाँ से? अपने उद्गम स्थल से। ठीक है, तो एक निश्चित मार्ग द्वारा उद्गमित होकर आती है प्रवाह के रूप में, तो इसको क्या कहते हैं? अपवाह। ठीक, इसमें कई सारी सहायक नदियाँ ऐसे जुड़ जाती हैं, जैसे रामगंगा, ठीक है, गोमती, घाघरा, ये सारी नदियाँ जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो कई सारी नदियों के जुड़ने के कारण इसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक, क्या लिखा है इसमें कि नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। कैसा? प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति के द्वारा, ठीक है, जिस अपवाह तंत्र का विकास हुआ हो उसे हम प्राकृतिक अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? जैसे कि चट्टानों का स्वरूप और संरचना, कौन सा है? चट्टानों का स्वरूप और संरचना। ठीक है, स्थलाकृति ढाल, ठीक है, प्रवाहित जल की मात्रा, ठीक, और प्रवाह की अवधि अथवा समय। ठीक है, क्या क्या करता है अपवाह को प्रभावित करने वाले कारक? कि चट्टानों का स्वरूप या संरचना। ठीक है, जैसे कि जिस प्रकार की चट्टान या पर्वत जिस प्रकार के होंगे, ठीक है, नदियों का अपवाह उसी रूप में निर्धारित होगा। ठीक है, जैसे कि ये है क्या? पठार। ठीक है, पठार, तो पठार से जो भी नदी निकलती है आपकी, जैसे कि गोदावरी नदी, तो आप कैसे सीधे जाएगी, ठीक है, कहाँ से? मुंबई से निकल के, मुंबई के नासिक से, ठीक है, और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ऐसे ही पर्वत है, तो पर्वत में क्या होता है, जैसे गंगा हुई, ठीक है, सतलज नदियाँ, ये सारी नदियाँ, ठीक है, इनका उद्गमित स्थल होता है, ठीक है, अपने उद्गम स्थल से बहते हुए निकलती हैं, तो इनका अपवाह तंत्र क्या होता है? ये चट्टानों या पर्वत, इनकी जो संरचना होती है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि स्थलाकृति ढाल, जैसे पर्वत की ढलान, तीव्र ढलान होती है पर्वत में, ठीक है, और पठार में क्या है? एक समतल या फिर ऊबड़ खाबड़। ठीक है, जब ये गंगा नदी मैदान में आ जाती है, उत्तर भारत का मैदान, तो सीधे बहती है, ठीक है, और पर्वत में होती है तो ऐसे ढलान के रूप में बह के नीचे आती है, और मैदान में पहुंचती है तो सीधे बहती है। ठीक है, वहीं पठार होता है ऊबड़ खाबड़, तो नदी ऊबड़ खाबड़ के रूप में बहती है। तो स्थलाकृति भी डिपेंड करती है, ठीक है, चट्टानों की स्वरूप और संरचना, ठीक, प्रवाहित जल की मात्रा, ठीक है, कि
जल की मात्रा कितनी है, ठीक है, और प्रवाह की अवधि अथवा समय। ठीक, देखिए उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से दो भाग हैं, देखिए एक तो है हिमालयी अपवाह तंत्र, ठीक, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यानी कि नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो दो प्रकार से, एक तो हिमालय में बहने वाली नदियाँ, ठीक है, दूसरी है प्रायद्वीपीय पठार या फिर प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ, ठीक है। और तंत्र मतलब कि नदियों में जो सहायक नदियाँ जुड़ जाएं और उनकी सम्मिलित रूप से प्रवाह हो तो उनको अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि हिमालयी नदियाँ पहली तो, ठीक है, और दूसरी बात है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। हिमालय नदियों में आपकी कौन सी आएगी, जैसे कि गंगा, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इनको ले सकते हैं, ठीक है। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम किनको ले सकते हैं, तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम गोदावरी को ले सकते हैं, ठीक है, महानदी को ले सकते हैं, ठीक है, कृष्णा को ले सकते हैं, कावेरी को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ हैं जो कि हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में ले सकते हैं, ठीक है बच्चे, आगे आपकी समझ में। चलिए अब आगे बात करते हैं, देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये है हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की तुलना। इनकी तुलना की जाती है कि हिमालय नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है, इनकी तुलना कीजिए। तो तुलना हम ऐसे करते हैं कि जो हिमालय नदियां हैं वो सदा नीरा यानी कि वर्ष भर जल से पूर्ण होती हैं, ठीक है। अब कैसे होती हैं ये सदा नीरा यानी कि वर्ष भर जल इनमें कैसे बना रहता है, तो ऐसे बना रहता है कि ये स्रोत प्रायः ग्लेशियर से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हिमालय नदियाँ हैं वो बहुत ऊंचाई से उनका उद्गम स्थल होता है, ठीक है, वहाँ माइनस टेम्परेचर होता है, माइनस तापमान, तो वहाँ पर क्या है कि ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्या होता है, ग्लेशियर, ठीक है। तो यही एक स्रोत है कि ग्लेशियर इनका स्रोत है कि ये जो है सदा नीरा होती है यानी वर्ष भर जल से पूर्ण होती हैं। इन नदियों में वर्ष में दो बार जल की मात्रा में वृद्धि होती है, वर्ष में कितनी बार, दो बार, ठीक है। कब, जब ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने के समय और द्वितीय दक्षिण पूर्व मानसून के समय, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यानी कि जब गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, तो तापमान में बदलाव आता है, ठीक है, जब तापमान में बदलाव आएगा, ठीक है, तो ग्लेशियर भी, जो ग्लेशियर हैं जो, ठीक है, वो भी पिघलेंगे, वो भी क्या है, पिघलेंगे तो फिर वो जो नदी आती है पिघल के वो नदी में उनका जल आएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि जो हिमालयी नदियाँ हैं वो वर्ष भर जल से पूर्ण रहती हैं, कैसी होती हैं, सदा नीरा, ठीक है। उदाहरण में कौन कौन सी नदियाँ हैं, एक तो आपकी गंगा नदी है, फिर आपकी यमुना नदी है, कोशी नदी है। कोशी नदी क्या है, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, ये बिहार में बहती है, ठीक है, उत्तर से होते हुए। हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो ऋतुनिष्ठ होती हैं, यानी कि ये ऋतुओं पर निर्भर होती हैं, ठीक है, केवल वर्षा जल पर निर्भर होने के कारण वर्ष में केवल एक बार प्रायः दक्षिण पश्चिम मानसून में इनमें जल स्तर में वृद्धि होती है। आपको मैंने बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है, कहाँ से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है यहाँ से टकराकर यानी कि पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ पर घनघोर बारिश करता है, ठीक है, ये इसकी अरब सागर की है और इसकी है एक शाखा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी जाती है और यहाँ से होते हुए, ठीक है, जैसे सीधी निकल जाती है तो यूपी, बिहार, ठीक है, थोड़ा छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और यहाँ पे हरियाणा होते हुए निकल जाती है और इसकी एक सीधी शाखा जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में घनघोर वर्षा करती है, ठीक है। तो यही एक है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, यही से क्या है कि यहाँ की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं अधिकतर वर्षा प्राप्त करती हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, ये आपका गर्मियों में आता है। तो गर्मी मतलब हम कह सकते हैं कि ऋतु, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो ऋतुनिष्ठ हैं, कैसी हैं, ऋतुनिष्ठ हैं, ठीक है। चूँकि तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से
शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। अतः कावेरी नदी के निचले भाग का जल स्तर उत्तर पूर्वी मानसून के समय शीत ऋतु में बढ़ता है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से लीजिए कि उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, अब क्या है कि सर्दियों में, ठीक है, दो मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। एक तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिसको पंजाब हरियाणा, ठीक है, थोड़ा जम्मू कश्मीर और दिल्ली तक वर्षा प्राप्त होती है। दूसरा यहाँ से उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है वर्षा, ठीक है, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या है, कावेरी नदी बहती है, ठीक है। तो कावेरी नदी को अधिकांशतः वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है, ये उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकतर वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। तो यही है कि क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो ऋतुनिष्ठ हैं, यानी कि ऋतुओं पर निर्भर करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या हिमालयी नदियाँ, तो हिमालयी नदियों की जो द्रोणी प्रायः विशाल होती है। कैसी होती है द्रोणी, विशाल होती है, जैसे कि गंगा द्रोणी, ठीक। और प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणी प्रायः छोटी होती है, जैसे कि नर्मदा और तापी नदी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हिमालय नदियाँ हैं प्रायः अधिक लंबी होती हैं, जिसका कारण स्रोत क्षेत्र का समुद्र से दूर होना है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। कैसे, जैसे कि हमारी गंगा नदी है, ठीक है, वो उत्तराखंड से यहाँ से क्या है, ठीक है, यहाँ से उद्गमित होती है, ठीक है, और यहाँ से उद्गमित होकर उत्तराखंड, ठीक है, फिर हमारा ये यूपी, ठीक है, यूपी से लेके फिर जाएगी यहाँ पर कहाँ, बिहार, ठीक है, बिहार से फिर यहाँ से ये मुड़ जाएगी यहाँ पर कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये आपकी कहाँ, बांग्लादेश, यहाँ मुड़ जाएगी, और बांग्लादेश से होके हुए नीचे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुई और गई कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि समुद्र, यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है इसका ये दूर है, कहाँ से, यहाँ से, इसकी उद्गम स्थल से, कहाँ से है, उद्गम स्थल से। तो यही एक बात है कि हिमालय नदियाँ क्या हैं, ये अधिक लंबी होती हैं, इनकी ये देखो कितनी लंबी है ना। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। कैसे, जैसे कि हम ले लेते हैं कौन सी, गोदावरी नदी, यहाँ महाराष्ट्र, यह है पश्चिम घाट, यहाँ से महाराष्ट्र से ये उद्गमित हुई, महाराष्ट्र से ऐसे होते हुए तेलंगाना, ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे बहते हुए ये आपकी कौन सी, बंगाली खाड़ी में चली जाती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये क्या है कि समुद्र यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से ये इसका क्या है, ये कम लंबी है, ठीक है, ये कम लंबी है। लेकिन गंगा नदी जो है ये काफ़ी अधिक लंबी है, क्यों, क्योंकि समुद्र की दूरी और उद्गम स्थल काफ़ी दूर है, ठीक, यहाँ पर समुद्र की दूरी और उद्गम स्थल पास है, कहाँ, प्रायद्वीपीय नदियों में, ठीक है, लेकिन हिमालय नदियों में काफ़ी दूर है, ठीक है। तो यही कारण है कि हिमालय नदियाँ अधिक लंबी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्या बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे कि ये नदियाँ किसी न किसी बड़ी नदी की सहायक नदी होती हैं, कौन सी, हिमालय नदी, अतः सीधा समुद्र में कम गिरती हैं। हिमालय नदियाँ क्या हैं कि ये नदियाँ किसी न किसी नदी की, किसी न किसी बड़ी नदी की सहायक नदी होती हैं, ठीक है, ये सीधा समुद्र में कम गिरती हैं, ठीक है। जैसे कि कहते हैं हम कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी, मेघना नदी, ये सारी नदियाँ हैं, ठीक है, थीके? तो ये गंगा की सहायक नदी है और इसमें सम्मिलित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं कि तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण अधिकतर नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, ठीक है, थीके? अब बात करते हैं यहाँ से कि हिमालय नदियाँ, ये नदियाँ स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियों एवं गॉर्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है, थीके? जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल यहाँ से बहते हुए सीधा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आपका बिहार होते हुए ऐसी आएगी, फिर पश्चिम बंगाल में ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये जब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे यांग्याप दर्रे से गुजरती है तो यहाँ पर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, किसका, भी आकार में
गहरे भी आकार में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती, ऐसे ऐसे जाएगी ठीक है नदी, तो ये भी आकार के गॉर्ज का निर्माण कर देती है। कौन सी? हिमालयी नदियाँ, ठीक है। लेकिन प्रायः प्रायद्वीपी नदियों की बात करें तो ये जो है ये नदियों की घाटियाँ कम गहरी व उथली होती है, ये कम गहरी व उथली होती है, इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कि जो हिमालयी नदियाँ हैं ये मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती हैं, ठीक है, लंबी दूरी तय करती हैं, ठीक है। कैसी लंबी दूरी? इस प्रकार यहाँ पे ये नौकायन योग्य होती है, नौकायन योग्य मतलब यहाँ पर नाव वगैरह की सुविधा होती है, ठीक है, नाव की सवारी वगैरह, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ मार्ग में जलप्रपात बनने तथा जल की मात्रा घटने बढ़ने के कारण नौकायन के अनुकूल नहीं है, यानी यहाँ पर नौकायन की सुविधा नहीं है। ये नदियाँ डेल्टाई भागों में नौकायन योग्य होती हैं। कौन से भागों में? डेल्टाई भागों में, ठीक है। डेल्टाई भागों मतलब आप जाने कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो अधिकांशतः डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, थीके? जो अपने जो कई सारी वितरिकाओं में बट जाए, ठीक है, ऐसी जल की धारा जो कई सारी वितरिकाओं में बट जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या? डेल्टा। एक डेल्टा का आकार बना लें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं हम डेल्टा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो हिमालयी नदियाँ हैं वो नौकायन योग्य होती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो नौकायन योग्य नहीं होती हैं, लेकिन कब होती हैं? डेल्टाई भागों में नौकायन योग्य होती हैं, ठीक। बात करते हैं कि जो गंगा जो हिमालयी नदियाँ हैं वो मैदानी भागों में बहने के कारण भूभाग के भुरभुरे होने के कारण नदियाँ विसर्प का निर्माण करती हैं। कैसा विसर्प? क्या है विसर्प? होता है कि नदियाँ ऐसे ऐसे तरंग के रूप में, ठीक, जैसे कि यह है मैदान, ठीक, यह है क्या? मैदान। मैदान में क्या है? यह है मिट्टी, ठीक है, मैदान में है भाई ये मिट्टी, ठीक है। और यह है आपका क्या? यह है आपका पर्वत। जैसे यहाँ से आ रही है गंगा नदी, गंगा नदी के बाद, ठीक है, यहाँ पड़ गया आपको भावर प्रदेश। भावर, भावर प्रदेश उसे कहते हैं जहाँ पर नदियाँ अपने द्वारा लाए हुए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर उनका निक्षेपण करती है, उसे कहते हैं हम भावर प्रदेश, ठीक है। भावर प्रदेश के पास पाया जाता है कौन सा? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, ठीक है, ये दलदल होता है, दलदल। यहाँ से नदियाँ, यहाँ नदियाँ अपन डूब जाती हैं, कम दिखती हैं, कम दिखती हैं यहाँ पर, पत्थरों के नीचे से बह के आती हैं, लेकिन तराई प्रदेश में अपनी उसी स्वरूप में आ जाती हैं, ठीक है, थीके? और यहाँ पर दलदल का निर्माण करती हैं। इसके बाद मैदान में आती हैं, मैदान में मिट्टी, मैदान में क्या है? मिट्टी के होने के कारण, ठीक है, और मैदान में ढलान कम होने के कारण, मैदान में मिट्टी के होने के कारण और ढलान कम होने के कारण नदियाँ संघर्ष करती हैं, यानी कि जो नदी ऐसे चल रही थी फिर ऐसे ऐसे हुई लहर के चलेगी, यानी कि विसर्प का आकार ले लेगी, तो नदियाँ ऐसे ऐसे विसर्प का निर्माण करती हैं। कहाँ पर? मैदानों में, जहाँ पर मिट्टी कैसी हो? भुरभुरी हो, ठीक है। तो ये अंतर होता है इसमें मैदानी नदियों में, किसमें होता है भाई? मैदानी नदियों में, ठीक है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ वो कठोर चट्टान भूभाग से होकर बहती हैं, ठीक है, थीके? क्यों? क्योंकि जो पठार है ना, पठार ये कठोर है, ठीक है, ये आप ये पठार जो है वो कठोर है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो ये क्या है? आग्नेय चट्टान, चट्टान है ये। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो पठार से होकर बहती हैं, यानी कि कठोर भूभाग से, ठीक है। तो कई नदियाँ जो हैं वो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक। इनका मार्ग सीधा एवं रेखांकीय होता है। नदियाँ कैसी हैं? सीधी सीधी बहती हैं, सॉरी, नदियाँ कैसी हैं? ये है कठोर, ठीक है, चट्टान या फिर प्रायद्वीपीय पठार, तो नदियाँ सीधे बहेंगी। कैसी? सीधी, ठीक है। ये नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इनका मार्ग सीधा और रेखीय होता है। जैसे नर्मदा, तापी भ्रंश घाटी में बहने के कारण रेखीय प्रवाह विकसित होता है। भ्रंश घाटी, अभी हम ये बाद में बताएंगे कि भ्रंश घाटी क्या है, ठीक है। तो नदियाँ क्या है कि ये जो है प्रायद्वीपीय पठार में सीधी बहती हैं, ठीक है, ये लहरदार या फिर विसर्प का रूप नहीं धारण कर पाती हैं। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हम बात करते हैं कि हिमालयी नदियाँ प्रायः मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहाँ पर? मुहाने पर, ठीक।
कौन सी? हिमालयी नदियाँ, ठीक। और प्रायद्वीपीय नदियाँ मुहाने पर प्रायः ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। कैसी? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं ऐश्वरी। जिसे क्या कहते हैं? ऐश्वरी, ठीक है। तो ये इसमें अंतर है, क्या है? हिमालयी नदियाँ, जैसे कि गंगा का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो हिमालयी नदियाँ क्या लिख लेना? गंगा का डेल्टा, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। तो हिमालयी नदियाँ प्रायः मुहाने पर गंगा डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है, वो मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, क्योंकि यह पश्चिमी घाट, यह पूर्वी घाट, नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, तीव्र वेग से अपने जल को नीचे छोड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या? ऐश्वरी या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है, चलिए, या फिर छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, हो गया आपका। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका हिमालयी नदियाँ या फिर प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। किसमें? हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हिमालयी अपवाह तंत्र, कि हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है। देखिए, हमने आपको बताया थे दो प्रकार के अपवाह तंत्र, एक तो हमने बताया था हिमालयी अपवाह तंत्र, ठीक है, और दूसरा हमने आपको बताया था कौन सा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में तीन नदी तंत्र को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी नदियाँ आएंगी आपकी? तीन नदी तंत्र, पहली तो आपकी आएगी सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, कौन सी? सिंधु नदी तंत्र आएगी आपकी, ठीक है। फिर आपकी आएगी गंगा नदी तंत्र, ठीक है, और फिर आपकी आएगी सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो हिमालय अपवाह तंत्र में तीन नदियाँ आएंगी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि आपने सुना होगा, बड़ा ही फेमस नाम है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, सिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगित, इन सबको शामिल किया जाता है। बच्चे कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, सिगार, कुर्रम और काबुल, ठीक है, ये आपके अफगानिस्तान की हैं। तो ये सारे जो नदियाँ हैं ये आपकी सिंधु नदी तंत्र में शामिल होती हैं, ठीक है। इस नदी तंत्र में सिंधु सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चोमा युंगडुंग बोखर चू हिमानी से हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है इसका निर्माण, इसका उद्गम स्रोत? यह है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, ठीक है। ये ऐसे भारत है, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकट हुआ है इसका, ठीक है, किसका? सिंधु नदी तंत्र का। तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग बोखर चू हिमानी से हुआ है, ठीक है। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती थी। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती थी, फिर हिमालय पर्वत को काट कर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर ये जो ब्लैक पॉइंट से जो लिखा है, मैं जहाँ पर बताती जा रही हूँ इसको हाईलाइट करते जाना और याद करते हुए जाना, ठीक है। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती थी, फिर हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु कैसी नदी है, तो सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। किस श्रेणी को काटकर? ये मैंने पहले भी बताया था, तो लद्दाख श्रेणी को काटकर, और कहाँ पर? नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर। कहाँ पर? नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, यानी कि काराकोरम लद्दाख, यह लद्दाख और फिर जास्कर, ठीक है। तो यह लद्दाख में ही, यहाँ पर आपका कौन सा? नंगा पर्वत, लद्दाख में नंगा पर्वत है। तो कहाँ पर है ये? देखिए, नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी, तो ये आपका लद्दाख श्रेणी में, ठीक है, यहाँ पर बुंजी नामक स्थान पर काटकर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन सी? सिंधु नदी, ठीक है। यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है,
यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है और इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई है 2880, ठीक है बच्चे। और इसकी जो है भारत में कुल लंबाई कितनी है? इसकी भारत में कुल लंबाई है 1114, ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी देखिए कुल लंबाई तो 2880 है, लेकिन अगर भारत में बात की जाए तो 1114 है। यहाँ से उद्गमित हुई तो कुछ लंबाई ये, और ये जो बुंजी नामक स्थान यानी लद्दाख श्रेणी में जो नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत के उत्तर में जो बुंजी नामक स्थान है वहाँ से काटकर ये पाकिस्तान में चली जाती है, तो इसकी ये लंबाई, ठीक। ये सम्मिलित रूप में कुल लंबाई कितनी है? 2880 नहीं, ठीक है, ये तो हो गई इसकी कुल लंबाई। लेकिन ये जो इतनी भारत में है ये कितनी है? जितनी भारत में, तो भारत में है इसकी 1114, कितने बच्चे? 1114, ठीक है। अभी देखिए ये भी आपका फेमस क्वेश्चन है, क्या कि सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत इसकी विसर्जन क्षमता का केवल कितना प्रतिशत लेता है? एक्चुअली सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, तो उसके तहत निर्धारित किया गया था कि पाकिस्तान और भारत कितने कितने प्रतिशत जल लेंगे, किसका? सिंधु नदी का, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत इसकी निर्धारित क्षमता का कुल कितने प्रतिशत जल लेगा? तो केवल 20% ही जल लेगा। कितना? 20% ही जल लेगा, ठीक है, किसका? सिंधु नदी का। भारत जो है इसकी विसर्जन क्षमता का केवल 20% जल ही लेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात हम क्या करते हैं कि जो सिंधु नदी है इसकी बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं? तो इसकी बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में हम ले सकते हैं, बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी है? तो सतलज, राबी, ब्यास, चिनाब, झेलम, जास्कर, सोहन, सियांग और सिगार, ठीक। और सिंधु नदी में दाएं ओर से मिलने वाली नदियों में कौन सी है? दाएं ओर से श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और गिलगित, ठीक है। और यह जो है वो चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट इसमें पंचनद यानी सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम, इनकी संयुक्त धारा मिलती है, कहाँ पर? मिठानकोट के निकट, ठीक है। यह जो है कराची जो कि पाकिस्तान के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है, कहाँ पर? यह जो है वो कराची के पूर्व में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसके पाकिस्तान का कौन सा शहर है जहाँ पर सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है, तो हमें बताना होगा कि कराची, ठीक। पहला तो ये हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन ये होगा, देखिए ये है आपकी कौन सी सिंधु नदी, ठीक है, ये तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली है। कहाँ से ये निकली है आपकी? तिब्बत, देखिए मैं लिख देती हूँ, तिब्बत के आपकी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो क्या है कि सिंधु नदी की बाएं ओर से मिलने वाली, देखो ये आपकी हो गई कौन सी? ये है आपकी सिंधु नदी, ठीक है, ये है आपकी कौन सी? सिंधु नदी, ठीक। तो ये जो हो गया दायां सिंधु का और ये हो गया बायां, ठीक है। तो सिंधु की बाएं ओर से कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज, देखिए ये है आपकी सतलज नदी, ठीक। फिर आपकी ब्यास, ये है ब्यास नदी। फिर है आपकी रावी, ये है रावी नदी, ठीक। फिर है झेलम, ठीक है, तो ये आपकी झेलम, ठीक है, ये भी आपकी चिनाब नदी, ठीक है। और श्यांग और सिगार, ये नदियाँ कहाँ से मिलती हैं? बाई तरफ से। और दाएं ओर से आपकी कौन सी मिलती है? तो दाएं ओर से यहाँ से ये वाली, तो दाएं ओर से आपकी मिलती है श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और गिलगित, ठीक है। ये नदियाँ जो हैं वो आपकी दाएं ओर से मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि बाएं ओर से कौन कौन सी, तो हमें बताना होगा कि सतलज, ठीक है, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, जास्कर, ये सारी नदियाँ, और बाएं दाएं ओर से मिलने वाली श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और गिलगित, ठीक है, ये नदियाँ मिलती हैं। अभी क्या है पूछा जाए कि यह जो है सिंधु नदी ये चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, कहाँ पे? चिल्लास के निकट, ठीक है। और पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट इसमें पंचनद, देखिए ये जो नदियाँ हैं यानी कि कौन सी? रावी, देखो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, एकदम ऐसे नहीं मिल जाती हैं सिंधु में। ये जो पंचनद नदियाँ हैं ना, पंचनद नदियाँ,
ये मिठानकोट के पास मिलती हैं। कहाँ पर मिलती है? सिंधु नदी से मिठानकोट के पास मिलती हैं, ठीक है। इनकी संयुक्त धारा मिठानकोट के पास मिलती है, फिर कराची के पास अरब सागर में ये क्या है, सिंधु नदी मिल जाती है। कहाँ से? कराची से अरब सागर में, कराची होते हुए अरब सागर में सिंधु नदी मिल जाती है। लेकिन जो पंचनद है, कौन सी? झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज, ये मिठानकोट में सिंधु नदी से मिलती है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन ये जो पंचनद हैं, कौन सी? झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज, ये सिंधु की ही सहायक नदियाँ हैं। और कैसी हैं? बाएं साइड से सिंधु में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? ये आपका मिलती है मिठानकोट के निकट, ठीक है, पंचनद में सिंधु नदी से मिलती है, ठीक है। और यह जो है सिंधु नदी है, वो कराची यानी पाकिस्तान के पूर्व में अरब सागर से मिल जाती है, ठीक है। तो सिंधु नदी में ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिंधु नदी की बाई नदी कौन सी है, दाई कौन सी है, और पंचनद नदी जो है वो सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है, और सिंधु नदी जो है वो किस शहर के पूर्व में कहाँ पर मिल जाती है, यानी कि अरब सागर में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से बनते हैं बच्चे, तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगला कल बताऊंगी लेक्चर, आगे मैं आपको समझाऊंगी झेलम, चिनाब, ठीक है, इसकी जो पंचनद नदियां हैं राबी, ब्यास, सतलज, ठीक है, और सिंधु नदी पर निर्मित कौन सी परियोजनाएँ, ठीक है। तो मैं आपको ये कल समझाऊंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।